सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। जी हाँ गाइज, ये बिल्कुल सही है और ये सच भी है। आपने टाइटल और थंबनेल को तो पढ़ ही लिया होगा कि आपको ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे किसी का भी ब्लड प्रेशर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बिना या इक्विपमेंट के बिना आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो वेलकम बैक गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सनी कुमार, और आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, ब्लड प्रेशर को लेके लोगों का मिथ है कि सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि पल्स को वो चेक करते हैं, रेडियल आर्टरी को या फिर ब्रैंकियल आर्टरी या कोई भी जो पल्स का पॉइंट होता है वहाँ पर वो चेक करते हैं। और जितनी उनको स्ट्रॉन्ग पल्सेशन महसूस होती है, जितना उनको ज़्यादा फोर्स महसूस होता है, वो समझते हैं कि उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन गाइस, ये बिल्कुल ही गलत है। ये ब्लड प्रेशर नहीं होता है, एक्चुअल ये पल्स प्रेशर होता है। और अगर आपको पल्स प्रेशर का नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर भी कर देता हूं। तो सामान्यतः किसी भी एडल्ट का जो वयस्क है उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, ये सभी जानते हैं। तो यहां पर जो 120 mmHg होता है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और जो 80 mmHg है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो ये जो पल्स प्रेशर है ना, ये 120 माइनस 80 जो 40 वैल्यू आती है, 40 mmHg, ये पल्स प्रेशर होता है। तो यहाँ पर जो आप चेक करते हैं ना, जितना फोर्स आपको महसूस होता है, ये ब्लड प्रेशर नहीं होता, ये पल्स प्रेशर होता है। तो यहाँ पर बात आती है कि तो ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर को कैसे किसी इंस्ट्रूमेंट के बिना हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको सिखा सकूं कि आप अपना खुद का ब्लड प्रेशर कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू का तो बिल्कुल पता नहीं लगेगा, वो तो आपको इंस्ट्रूमेंट की ही मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन आपको इस मेथड से ये आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि आपका एक्चुअल ब्लड प्रेशर है वो हाई है या लो है या फिर नॉर्मल है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे अच्छा पॉइंट है आपकी रेडियल आर्टरी। ओके, लेकिन अगर आपको पल्स देखनी नहीं आती तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके लिए पहले आप हमारी चैनल की एक वीडियो है कैसे पल्स रेट को चेक करना है, तो आप आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। लेकिन अगर आपको पल्स देखनी आती है तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस, सिंपली है, आपने अपनी रेडियल आर्टरी से ब्लड प्रेशर देखना है, जो कि सिंपल है बिल्कुल और सबसे अच्छा है। यहाँ से रेडियल आर्टरी से ब्लड प्रेशर को चेक करना, क्या करना है आपने, सिंपली जैसे हम सिंपल ब्लड सिंपल है बिल्कुल, जैसे हम पल्स चेक करते हैं वैसे आपने तीन फिंगर को ऐसे रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने डिटेक्ट करना है कि आपकी पल्सेशन आपको महसूस हो रही है तीनों की तीनों उंगलियों पर। और यहाँ पर जो पहली फिंगर है जिसे इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ये मिड फिंगर, और ये जो थर्ड फिंगर है इसे रिंग फिंगर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पल्सेशन है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो इंडेक्स फिंगर है आपने इसको इतना दबाना है कि जो पल्स है, जो पल्सेशन दोनों उंगलियों पर महसूस हो रही है, खासकर इंडेक्स फिंगर पर, ये महसूस ही ना हो पल्सेशन बिल्कुल भी, तो आप इसे दबाएंगे। तो यहाँ पर जितना फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है और पल्सेशन आपको महसूस नहीं हो रही, जितना ज़्यादा फोर्स लगाने पर आपको पल्सेशन महसूस नहीं हो रही, उसका मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर है वो हाई है, ठीक है। और अगर आसानी से जो पल्सेशन आपने कम फोर्स लगाया और पल्सेशन महसूस नहीं हो रही, जो मिडल फिंगर है उससे पल्सेशन बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि जो ब्लड प्रेशर है वो लो है। लेकिन अगर आपको मॉडरेट फोर्स लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल रेंज में है। और गाइज, एक पेशेंट को देखकर या एक पेशेंट पर आप ऐसे आजमाएंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। मुझे भी बहुत टाइम लगा है ये सब सीखने के लिए, इसीलिए आपको तरह तरह के पेशेंट्स को डिफरेंट कंडीशन और डिजीज़ की कंडीशन में आपको उसको चेक करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। और वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इसलिए आपको अलग अलग पेशेंट्स पर इसको देखना होगा। और गाइज,
आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा कि कैसे बाय पल्स आप किसी का भी ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, और अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें उन लोगों के साथ जो ब्लड प्रेशर को सीखना चाहते हों। साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट कर लें। साथ ही किसी अदर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हों तो भी हमें कॉमेंट करें। तो गाइज मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।